गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन तो आज का पहला टॉपिक है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तो मालदीव्स गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो इंडिया की एक कंपनी है मुंबई बेस्ड कंपनी एफ़कॉन्स उनको जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का जो है वो एग्रीमेंट जो है उनके साथ साइन किया है और ये सबसे बड़ा आज तक का मालदीव्स का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा और कोर्स सबसे बड़ा जब मालदाइव्स का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो इंडिया को भी जो मालदाइव्स से आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं उनमें भी सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है अब इसमें होगा क्या कि जो माले माले इज़ द कैपिटल ऑफ मालदाइव्स उनको उस कैपिटल को बहुत सारे क्योंकि मालदाइव्स आपको ना बहुत सारे छोटे 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 आईलैंड का एक ग्रुप है वो उससे कंट्री बनी है तो माली जो माले जो है उसको कनेक्ट करेंगे और दो तीन आइलैंड्स के साथ ये तीन आइलैंड्स का नाम दिए हैं विलिंगली गुलही फालू और थीलाफुशी ठीक है इनके साथ कनेक्ट किया जाएगा 6.74 किलोमीटर का जो एक ब्रिज होगा और इसके थ्रू ही जो है कनेक्ट किया जाएगा इन जो है चारों एक तरह से आइलैंड्स को इंडिया ने इसमें पहले तो ग्रांट भी दी है 500 मिलियन डॉलर्स की और एक तरह से लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है एक तरह से लोन देना तो 400 मिलियन डॉलर का जो है वो लोन भी दिया है ठीक है तो अब ये पैसा जो है एक तरह से ये जो 400 मिलियन डॉलर है ये बैक चैनल के थ्रू वापस हमारी इंडिया में वापस आ जाएगा एफकॉन्स को मिल जाएगा ठीक है So now, uh, let us see this topic in English. Uh, Greater Male Connectivity Project. So you know that uh, Maldives government has awarded the contract of uh, Greater Male Connectivity Project to a Mumbai-based company Afcons, and this project is the uh, the largest infrastructure project in the uh, history of Maldives. Uh, it will facilitate inter-island connectivity between the islands of Male. Uh, Male is the capital of uh, Maldives, and it will connect with three neighboring islands of course they're all part of maldives maldives is a group of island uh, island islands and it this these, this project aims to connect these islands through a bridge or a causeway link it will be a 6.74 kilometer long bridge and this bridge will connect these islands and india has provided a funding of 100 million dollar through grant and a line of credit which is basically a loan of 400 million dollar so this project is around 500 million dollar uh, in which 100 million dollar is the is the component of grant ओके सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इज किलाउए वॉलैनो तो ये आपको इसकी सिर्फ लोकेशन याद रखना ज़रूरी है किलाए जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है हवाई। हवाई कहाँ पर है यूएस की टेरिटरी है हवाई, हवाई आइलैंड्स। तो वहाँ पर ये जो किला जो वॉल्केकैनो है ये जो अब uh, कहा जा रहा है कि कुछ टाइम में जो है ये एक तरह से इरप्ट uh, होने वाला है क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग होने लग गई है आपको पता है ना कि क्रस्ट की स्वेलिंग जब होनी शुरू हो जाती है आपने पढ़ा होगा वॉलकैनो के बारे में ज्योग्राफी में जब क्रस्ट की स्वेलिंग होने लग जाती है उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर जो है इरप्शन होने के चांस है ठीक है तो ये की लाओ जो ये वॉलकैनो है ये एक अनहैबिटेड एरिया है हवाई में हवाई वालकैनोज़ नेशनल पार्क बिग आइलैंड में वहाँ पर और हॉनोलोलो से ये हॉनोलो जो कैपिटल है हवाई की हॉनोलू हॉनोलोलो है हवाई इज़ अ स्टेट ऑफ यूएस और वहाँ की कैपिटल जो है वो हॉनोलू है तो वहाँ से 200 हंड्रेड टू माइल्स अवे है और ये वॉलकैनो वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉलैनो है uh, चौंतीस बार 1952 से लेके अभी तक जो है चौंतीस बार ये इरप्ट हो चुका है 2008 से लेके इसको जो है इस पार्क में जो ये समिट है जहाँ से ये वॉल निकलता है किलाओ है कैनो इसको बंद किया हुआ है पब्लिक को जाने नहीं देते हैं क्योंकि बहुत ये इसकी इरप्शन होती है तो इसलिए उसको बंद किया हुआ है ठीक है So now let us see this topic in english uh, kilaue volcano so recently the kilaue volcano uh, in hawaii uh, hawaii is a state of us and the capital of hawaii is honolulu and this uh, summit of kilaue volcano is uh, uh, is rumbling and the the crust is swelling in that area that's why the scientists are predicting that there could be a volcanic eruption very soon so uh, you may have uh, heard about it or you may have learned uh, during your geography class that uh, when there is a, a possibility of volcanic eruption the crust gets uh, swell uh, swelling and the scientists uh, based upon that uh, swelling the scientists can make predictions as to when or if that uh, volcanic eruption is going to take place okay so this kilauea volcano is uh, located in hawaii volcanoes national park and it is uh, an area which has been secluded it has been isolated from the public since the year 2008 uh, because this volcano has erupted 34 times since the year 1952 so it is one of the most uh, uh, active volcanoes of the world that's why it has been in news so you have to remember the location which is hawaii and you have to remember that it is an active volcano okay so it's not a dormant one it's an active volcano so you'll have to remember these facts uh, of course we are going to revise the volcano volcano related uh, topics from your ge geography book also uh, but uh, because this has been in news volcanic eruption has been in news so you can expect a question or two from this to particular topic now so now let us see the next topic which is right to be forgotten तो आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट एक केस सुन रहा था हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि दिल्ली हाई कोर्ट एक केस सुन रहा था एक, एक एक्टर का जिसमें एक्टर ने कहा कि मेरे कुछ ऐसे पुराने फोटोज़ कुछ वीडियोस हैं जो प्रेस जो है वो अभी तक चला रहा है तो मेरे पास राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए क्योंकि मैं उस टाइम पर जो मेरे मेरे ऊपर एक्शन लिया गया था मेरे पर केस हो गया था जो चलान हुआ था बेसिकली उसका उनका एक ट्रैफिक चलान हुआ था तो उस केस में जो है एक्टर जो है वो ड्रंक स्टेट में थे तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम की जो उनकी वीडियोस हैं वो उनकी रेपुटेशन को ख़राब कर रही हैं तो उन्होंने जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाली थी कि वो राइट टू फॉरगॉटन उनको एक्सरसाइज करने दिया जाए ठीक है तो राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या होता है राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब कि अगर मेरा कोई ऐसा डेटा है जो मैं नहीं चाहता कि वो पब्लिक में डोमेन में रहे या फिर मैं अपनी प्रिवेसी का एक्सरसाइज करना चाहता हूँ तो मैं ये राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और जो है Uh, जो आपकी सोशल मीडिया कंपनीज़ या इवन प्रेस जो होती है या मीडिया होता है उनको जो है मेरे डेटा को जो है वो डिलीट करना पड़ेगा या फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर करेक्ट uh, करना पड़ेगा ठीक है तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे जो है राधर वैसे ये ई का जो जी है जो है डेटा प्रोटेक्शन रूल्स उसमें अवेलेबल है आ, स्पेन से इसका जो है वो आ, एक केस हुआ था स्पेन में वहाँ से ये राइट टू बी फॉरगॉटन आया था उसके बाद से ई ने अपने जी में इसको डाल दिया था अब ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो इंडिया का भी बिल आपको पता है ना अभी पेंडिंग है उसके अंदर भी राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो अवेलेबल है और ये जो है राइट टू प्रिवेसी का एक इंट्रेंसिक पार्ट है ठीक है अब जो हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो इसके बारे में क्या कहता है क्लॉज ट्वेंटी जो है चैप्टर फाइव का इस, ड्रा, इस ड्राफ्ट बिल का वो कहता है कि राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल ठीक है राइट राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो अवेलेबल है इस बिल में वो कहता है कि डेटा प्रिंसिपल जो पर्सन जो है अपना डेटा डिलीट करवाना चाहता है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके या फिर वो रोक सके उस डिस्क्लोजर को उसके पर्सनल डेटा के डिस्क्लोजर को जो कि डेटा फिड्यूशरी डेटा फिड्यूशरी कौन होगा जैसे जो आपके फेसबुक ट्विटर या इवन मीडिया चैनल जो जिनके पास वो डेटा पड़ा है उनको वो कह सकता है कि आप इसको रोक दो इस डेटा को पब्लिसाइज होने से या फिर इसको जो डिस्क्लोजर को आप रोको बिकॉज ये मेरा पर्सनल डेटा है ठीक है तो डेटा प्रिंसिपल कौन हुआ मैं हुआ या आप जैसे आप जैसे मेरे जैसे लोग हुए जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वो और डेटा फिड्यूशरी कौन हुए जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम तो हम जो है डेटा प्रिंसिपल जो है वो डेटा मेरा, मेरा है, डिलीट है, करो ठीक है तो राइट टू बी फॉरगॉटन कहता है कि आप मेरे को जो है, वो करो. तो अब जो है आ, इस बिल में डेटा दे, प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की भी बात की जा रही है ठीक है अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई क्राइम किया सब आप सोचो मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था ये कि आपने कोई क्राइम किया मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया आपको उसकी सज़ा मिलेगी मिल गई ठीक है तो उसके बाद आप जो है अपना राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि मेरी जो है ये पर्सनल लाइफ है इसको आप क्यों कवर जो आप पब्लिक डोमेन में क्यों डाल रहे हो एंड ऑल दैट तो आप जो है सिर्फ आपके कहने पे ही जो है वो सिर्फ डेटा को जो है डिलीट नहीं किया जाएगा या ट्राइट टू पी फॉरगॉटन सिर्फ आपके कहने पे ही नहीं जो है उसको एक्सरसाइज किया जा सकेगा डेटा प्रोटेक्शन एक अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि क्या ये सच में जो डेटा जो जिसको डेटा प्रिंसिपल जो है वो डिलीट करने को कह रहा है या डिस्क्लोज होने से रोकने को कह रहा है क्या वो सच में इतना सेंसिटिव है कि वो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचा सकता है तो अगर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी हाँ करती है डेटा फ्यूडिशरी जो है उनको वो डेटा जो है वो डिलीट करना पड़ेगा या उसको इरेज करना पड़ेगा या उसके जो है पब्लिकेशन से रोकना पड़ेगा ठीक है अब कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व क्या किया है तो प्लेंटिव प्लेंटिव कौन होता है जिस पर्सन ने केस किया हुआ है तो उन्होंने डेली कोर्ट ने बोला है कि प्लैंटिव जो है उनके पास ये राइट है टू बी लेफ्ट अलोन या फिर टू बी फॉरगॉटन ऑफ जो उनकी प्रिवेसी के ऊपर इन्वेजन की जा रही है बार बार अलग अलग नंबर से कॉ अब मेरा समझ लो अगर फोन नंबर लीक हो जाए पब्लिक में ठीक है समझ लो इंटरनेट पर फोन नंबर लीक हो जाए तो मेरे पास ये राइट है कि मैं गूगल को या किसी भी वेबसाइट जो जिसने मेरा फोन नंबर लीक किया है तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि आप मेरा यहाँ से फोन नंबर हटाओ क्योंकि ये मेरी प्राइवेसी प्रिवेसी के ऊपर इन्वेजन है ठीक है तो यही जो है कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि स्ट्रेंजर्स अगर प्रिवेसी में इन्वेड कर रहे हैं तो उनके जो है डेटा प्रिंसिपल के पास ये राइट right है कि राइट टू बी लेफ्ट अलोन या फिर राइट टू बी फॉरगॉटन ठीक है सिमिलरली अगर कोई कोई बहुत एक्सप्लिसिट वीडियोज़ हैं ठीक है थीके? तो भी जो है वो पर्सन के पास राइट right है कि वो उनको डिलीट करने को जो है वो बोल सकता है so now let us see this topic in english uh, right to be forgotten so why we're discussing this topic again after a month because now delhi high court has uh, made some observations regarding this case which was uh, a case of an actor who was uh, uh, seeking exercise of his uh, right to be forgotten because he had done something in the past uh, i think 10 12, 12 years back but now that uh, that actor wants to exercise this right uh, right to be forgotten uh, so that he can uh, get all the previous reporting by the, uh, the media uh, erased because uh, he's saying that he has moved on in uh, in his life and this uh, continuous discontinuous. Uh, 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 Old data, uh, this continuous uh, media uh, playing of this old data is hurting his reputation. Okay, so what is right to be forgotten? Basically, it is uh, it is your right to get something deleted which concerns with your private life. Okay, so this right to be forgotten uh, is uh, an intrinsic part of right to privacy. Of course, the the Supreme Court has not yet declared right to be forgotten as a part of right to privacy, but in general, uh, like in EU eu's gdpr this right to be forgotten has been included in the eu's gdpr and which, which is the data protection bill of european union and this uh, uh, india's uh, personal data protection bill also has provisions for right to be forgotten of course there is a provision for right to be forgotten in which the data principle that, that is you and me we can ask or we can request the da data fiduciary who are the data fiduciaries those who are hosting our personal data like facebook twitter or even some media companies who are uh, having our data because we have shared with them that the, who are having the, our private data we can request them that this particular private data is uh, uh, sensitive and we want them to be uh, deleted okay but of course there is a provision that not all data can be deleted Data protection authority will decide which kind of data is sensitive and which kind of uh, is just uh, reporting by the media, which is general reporting. So, in case there is they found that some data is sensitive to, to the reputation of a person, then they may allow that particular data to be forgotten. Okay, so the court has also observed the same. The court, the Delhi High Court, has said that the plaintiff, the plaintiff is the person who has. Uh, 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 filed the case in the court so the person the, the dali high court is saying that this person has a right to be left alone or to be forgotten because to protect invasion of her privacy from strangers or anonymous callers okay so in case uh, a website so just imagine that you are shopping on flipkart and suddenly one day you find that flipkart has released your number in a, in a in a list or they have released your phone number and, and your address in a, on a, on internet and anonymous callers are calling you anonymous people are visiting your place so it is an infringement on your right to privacy and then you are within your well within your rights to get to exercise this right to be forgotten so that flipkart or any for that matter any other a data fiduciary will erase your data or the personal data that they are hosting on on your behalf okay so the court has also observed that in case there are explicit videos which are being circulated because uh, uh, in the public and they have a clear and immediate

दो नहीं रादर तीन जो है वो सुपर मासिव ब्लैक होल्स जो है वो तीन गैलेक्सीज में से जो है वो मर्ज हो रहे हैं और उससे क्या हो रहा है ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बन रहा है ठीक है जब दो तीन जब ये मर्ज हो जाते हैं तो एक ही न्यूक्लियस बन जाता है मतलब ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस मतलब एक बहुत बड़ा सुपर मासिव तीन जो है वो मर्ज होंगे तो एक बहुत बड़ा जो है वो तीन लेवल का जो है गैलेक्टिक न्यूक्लियस बन जाएगा ठीक है तो आपको पता है जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है ठीक है फ्यूजन में क्या होता है कि दो जो है एक फ्यूजन जो है वो उल्टा होता है और फ्यूजन जो है वो वो फ्यूजन में क्या होता है बेसिकली कि दो एटम्स ठीक है तो वो दोनों मिल जाते हैं और उनका जो न्यूक्लियस है वो एक हो जाता है फ्यूजन में क्या होता है एक न्यूक्लियस टूट के जो है वो दो न्यूक्लियस बनते हैं फ्यूजन में क्या होता है कि दो दो न्यूक्लियस मिलकर एक फ्यूजन बनाते हैं तो इसी में भी आप ये सोचो कि तीन जब ब्लैक होल्स मिल रहे हैं तो ये फ्यूजन हो रही है इनकी और एक जो है वो ज्वाइंट एक तरह से गैलेक्टिक न्यूक्लियस बनाया बनाया जा रहा है अब ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक हो, होल ऐसी प्लेस है जहां पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि इवन लाइट भी उसमें से जो है वो निक, निक, निकल नहीं पाती ठीक है क्योंकि लाइट भी उसके अंदर जो है वो सब हो जाती है इसलिए हम उसको कहते हैं ब्लैक होल ठीक है तो एक ब्लैक होल एक एटम जितना छोटा भी हो सकता है और एक ब्लैक ब्लैक होल जिसको हम सुपर मैसिव कहेंगे वो इतना बड़ा भी हो सकता है जितने है कि वन मिलियन सन्स होते हैं ठीक है तो ऐसा एक वन मिलियन सन्स जितना बड़ा या बहुत बड़ा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ऑलरेडी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में भी प्रेजेंट है जिसका नाम है सेगिटे सेजिटेरियस ए ठीक है तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को जो है ऑब्जर्व करने में आ, साइंटिस्ट्स को मुश्किल क्या आती है जो सुपर मासिव ब्लैक होल्स होते हैं वो उनको डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो कोई लाइट तो एमिट करते नहीं है ठीक है आपको पता है लाइट तो क्योंकि लाइट क्या होगा कि लाइट को ये ग्रेविटी इतनी फास्ट इनके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि वो लाइट को भी अंदर खींच लेंगे तो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं जो उनके आस जो है डस्ट और गैस होती है जब वो उस ब्लैक होल के अंदर जा रही होती है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उससे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एमिट uh, होती है ठीक है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम जो है वो इंटरसेप्ट uh, करके हम पता लगाते हैं कि इस एरिया में जो है वो ब्लैक होल एक एग्जिस्ट करता है ठीक है अब जो ये uh, ब्लैक होल है वो क्योंकि डस्ट को सक इन कर रहा है ठीक है फिर जो है गैस को सक इन कर रहा है उससे क्या होता है कि इवन एक गैलेक्सी भी तैयार हो जाती है एक गैलेक्सी भी का भी एवोल्यूशन जो है वो ऐसे ही सुपर मैसिव ब्लैक होल से ही होता है ठीक है सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश मर्जर ऑफ ब्लैक होल्स सो इंडियन रिसर्चर्स हैव ऑब्जर्व दैट थ्री सुपर मैसिव ब्लैक होल्स फ्रॉम थ्री गैलेक्सीज आर मर्जिंग टुगेदर नाउ एंड दे आर फॉर्मिंग अ ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस Okay, so a black hole is basically a place uh, in space where, which is having so much gravity that even light cannot escape it. Okay, so these black holes can be as small as an atom and they can be as massive as 1 million suns. Okay, so in case if it's a very massive uh, it's a very massive uh, uh, black hole then it is called a supermassive black hole okay like uh, there is one in our galaxy in our milky way galaxy which is known as sagittarius a it's a supermassive black hole okay so there is an issue in observing these black holes because these supermassive black holes they do not have light okay like we have discussed that they they their gravity is so strong that even light cannot escape from them so they do not emit any light so scientists have a difficulty in observing these black holes so how do they observe them so when the dust and gas surrounding these black holes are falling into these black holes uh, some of it Con uh, con uh, gets converted into energy and it starts emitting electromagnetic radiation. So, uh, what our scientists do is that they start observing this electromagnetic radiation. They start intercepting it, and the, and that's why, and that and that's how they intercept these that there is a presence of a supermassive black hole in a particular area area in space. So these supermassive black holes they are responsible for creation of galaxies because they uh, uh, pull out, pull in these uh, dusts and gas.

तो क्यूसिम जो है वो एक प्रोजेक्ट एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर टूल किट सिम्यूलेटर वर्कबेंच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग नाम का एक प्रोजेक्ट था ये बहुत लंबा सा नाम है उसमें से ही जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट का ही जो है वो एक तरह से रिजल्ट है क्यूसिम और क्यूसिम जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च करने के लिए हेल्प करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को बनाया गया है ठीक है बहुत सारी एजेंसीज़ हैं आई बेंगलोर आई आई सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन सब ने मिलकर इस क्यूसिम को जो है वो बनाया है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जनरली जब क्वांटम कंप्यूटिंग की रिसर्च करनी होती है तो हमको इतना जो है वो सेंसिटिव डिस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि अगर बिल्कुल जरी सी भी डिस्टर्बेंस होगी तो जो है क्वांटम uh, कंप्यूटिंग जो है वो हम नहीं कर पाएंगे उस पर रिसर्च नहीं कर पाएंगे और वो फेल हो जाएगी ठीक है तो इसके लिए जो है वो पूरा इन्वायरमेंट एक तरह से तैयार करके दिया है क्यूसिम के नाम पर और ताकि जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर जो है वो रिसर्च की जा सके ठीक है अब जो है एक एजुकेशनल या रिसर्च टूल है ये क्यूसिन और इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो ठीक से रिसर्च कर पाएंगे आइडियलाइज्ड uh, कंडीशंस बना के देगा ये क्यूसिन और जो है रिसर्चर्स को हेल्प करेगा कोांटम uh, कंप्यूटिंग के अंदर ठीक है अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है तो बेसिकली आप सिर्फ आपको आप ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जनरली हमारा जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कैसे कोड्स पढ़ते हैं या तो जीरो या वन ठीक है बाइनरीज़ में वो पढ़ते हैं सिर्फ ज़ीरो या वन जब आप सॉफ्टवेयर भी बनाते हो तो वो जीरो या वन के बेसिस पर ही बनते हैं उनको और कुछ नहीं समझ आता है ठीक है तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है जीरो और वन के बीच का जो पार्ट है ठीक है जीरो और वन के बीच में इनफाइनाइट इन्फ, नंबर्स होंगे ठीक है ऐसे ही क्वांटम टेक्नोलॉजी भी क्या होती है एटम से भी छोटे जो कॉम्पोनेंट्स हैं मतलब बिल्कुल छोटे छोटे जो कॉम्पोनेट्स हैं उनसे रिलेटेड होती है क्वांटम टेक्नोलॉजी तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी जो है वो जीरो और वन के बीच में इनफाइनाइट छोटे 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 नंबर्स होंगे उनका यूज़ करते हुए जो है हम कंप्यूटर में इंक्रिप्शन कर सकते हैं कंप्यूटर्स की जो है वो कम्युनिकेशन uh, की इंक्रिप्शन कर सकते हैं ठीक है इवन चाइना ने तो एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी है क्वांटम सैटेलाइट आपको पता ही होगा तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बहुत ज़्यादा स्कोप है ठीक है सो so, इंडिया में जो है अभी एक क्यू सिम जो है वो रिसर्चर्स को अवेलेबल करा दिया गया ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग में इंडिया में भी अच्छी रिसर्च की जा सके ओके सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश क्यू सिम सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे हैव लॉन्च दिस क्यू सिम इट्स अ क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टेक टूल किट एंड दिस विल इनेबल आर रिसर्चर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स टू कैरी आउट रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग so qsim is a part of a project this uh, name design and development blah 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 this uh, this project name uh, this uh, uh, qsim is a part of this project it it has been executed uh, by a collaborative effort of iisc bangalore uh, iit Ro roorkee and center for development of advanced computing so this qsim will allow our researchers and students to write uh, quantum codes because quantum computing is very sensitive to disturbance from the environment uh, even small basic level of uh, uh, Necessary controls and observations perturb them. Okay, so it disturbs them. So that's why we need a controlled, idealized environment to conduct quantum computing research. This QSim is providing these uh, these such kind of research tools, which will allow our researchers as well as students to conduct uh, quantum technology-related research. And that's why we are facilitating them with an an environment in which quantum computing uh, research can be conducted so basically quantum comput computing is related to qubits so generally you know that our uh, softwares or our computers they understand the language of binaries okay either one or zero they do not understand anything beyond that that's why uh, we want to make them understand about quantum's okay quantum mechanics so between this zero and one there will be innumerable numbers of course okay 0 0.00000001 or infinite numbers will be there between this 0 and 1 so just imagine the scope of quantum computing there will be no end to it so basically quantum technology is the study of very minute particles even uh, which are smaller than even uh, uh, atoms so in quantum computing section this uh, quantum computing means we are exploring Innumerable small uh, numbers that that exist between zero and one. So this, if uh, if we uh, research in this, we will be able to uh, enhance our encryption. We will be able to enhance our secure communication. We will be able to launch uh, satellites which will be very secure, like China has done. So we will be using the qubit and not these bits of zero and one. So we will we'll be using qubits so that are. Uh, communication becomes very secure. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.